प्रीवियस वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन पढ़ा था जब वो आपकी होमोजीनियस हो रही थी. होमोजीनियस मीन्स आपका जो एफ एक्स था वो जीरो हो रहा था, ठीक है. फिर हमने वहां पे देखा था कि तो आपका जो नॉन होमोजीनियस होता है उसका सॉल्यूशन हमने देखा था कि वाई सी प्लस वाई पी होता है. यहाँ पे जो सी होता है वो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, पी होता है जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है. तो ये वाई सी जो होता है वो आपका सॉल्यूशन होता है कोरस्पॉन्डिंग टू होमोजीनियस इक्वेशन, ओके. और ये वाई पी जो होता है ये आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है, ओके. सो हमने कल देखा था कि हायर ऑर्डर की, और हायर ऑर्डर हम यहाँ पे एन ऑर्डर लेके चल रहे हैं, तो उसकी हमें जनरल अगर दी हुई है इक्वेशन तो उसको कैसे लिखेंगे. तो उसको हमने एक फॉर्मेट लिखा था, सपोज ए एन डी एन प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन, इस टाइप से आपका कुछ हमने लिखा था, प्लस ए नोट वाई इक्वल टू समथिंग एफ एक्स, ठीक है. तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसको हम डी का फंक्शन मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डी है यही वेरिएबल का काम कर रहा है. तो इसको मैं कुछ कैपिटल एफ मान लेती हूँ, क्योंकि हमने स्मॉल एफ माना, कैपिटल फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, ठीक है. तो ये आपका एक जनरल फॉर्मेट हो गया किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, ठीक है. अब हमें क्या यहाँ पे निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका वाई पी से हम डिनोट करते हैं, ओके. और ये आपका होता है वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है. तो ये जो है ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है. एफ टी आपका क्या हो गया, जो आपको दी हुई होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और एफ एक्स जो आपका ये एफ एक्स दिया हुआ ये, ठीक है. तो ये तो हो गया एक मतलब फॉर्मेट कि किस टाइप से हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे. अब यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे एफ एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, या फिर सिंपली एक्स का फंक्शन हो सकता है, मतलब पॉलिनोमियल हो सकता है, राइट. सो अब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे कि आपके पास एफ एक्स किस टाइप का होगा तो उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किस टाइप का होगा, ओके. चलिए ठीक है, फिर हम लोग केस वन से स्टार्ट करते हैं. केस वन, तो केस वन हम लोग लेके चलते हैं. सबसे पहले तो अगर आपका सपोज करो एफ ऑफ डी इक्वल टू सिंपल डी है, ओके, इस केस में आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन में डी, क्योंकि एफ डी आपका डी है ऑफ एफ एक्स, और वन अपॉन जो डी होता है इसको हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है. वन अपॉन जो डी होता है वो आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे अगर डी स्क्वेयर हुआ उसका मतलब है डबल इंटीग्रेशन, ओके. तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाई डबल डैश माइनस फाइव वाई डैश प्लस सिक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर फोर एक्स. ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स, और ये किस टाइप का हो गया, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे आपका एफ एक्स नॉन जीरो है. तो इसका सोल्यूशन आपका हो जाएगा वाई सी प्लस वाई पी, ठीक है. तो वाई सी तो हम किस टाइप से निकाल लेंगे, इसको इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करके, और इसका हमने मेथड कल वाली क्लास में देखा था, ओके. मेन हमारा जो काम है वो वाई पी निकालना देखते हैं यहाँ पे. तो वाई पी आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ ई टू द पावर फोर एक्स. अब एफ ऑफ डी आपका क्या होगा, यहाँ पे जो वाई डबल डैश है यहाँ पे आप डी पुट कर दीजिए वाई की जगह, तो ये आपका डी स्क्वेयर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स, ठीक है, ये आपका एफ ऑफ डी हो जाएगा, ओके. तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं डी स्क्वेयर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स ऑफ ई टू द पावर फोर एक्स. अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम एक काम कर सकते हैं, इसको या तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं जो डी स्क्वेयर माइनस फाइव डी है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ. अगर आपका जो एफ ऑफ डी है
समथिंग कुछ मानिए डी माइनस एल्फा है, ओके okay? तो आपका जो वाई पी इस केस में हो जाता है 1 अपॉन डी माइनस एल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एल्फा एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, अगर आपका एफ ऑफ डी इक्वल टू डी माइनस एल्फा है तो आपका जो वाई पी हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस एल्फा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एल्फा एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब यहां से आप इसको फैक्टर कर सकते हैं और फैक्टर करने के बाद में ये वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करना चाहें तो इसको आप फैक्टर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन आई थिंक -3 और -2 आ जाएगा, तो डी माइनस थ्री डी माइनस टू यही हो जाएगा इसका ऑफ ई टू द पावर 4x। ओके, अब यहाँ पे इसको एक साथ रहने जी 1 माइनस d3 को, और ये जो 1 अपॉन d माइनस 2 है इसको इस वाले मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से आप करेंगे तो यहाँ पे अल्फा आपका क्या हो गया 2। ओके, इस केस में आपका अल्फा हो गया 2, तो ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर 2x ई टू द पावर -2x इंटू एफ एक्स आपका क्या है ई टू द पावर 4x डीएक्स। बस अब इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन d माइनस 3, यहाँ से आप देख सकते हैं ई टू द पावर 2x और ये आपका हो गया हाँ ई टू द पावर 2x ही होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप ई टू द पावर 2x अपॉन में 2 ये आपका हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब आपके पास में जो फंक्शन हो गया 1 अपॉन d माइनस 3, अभी आप किस पे लगाएंगी जो 1 अपॉन में 2 ई टू द पावर 4x, अब आपका एफ एक्स का जो है काम वो करेगा। अब सेम आप अगेन जो आप अभी ये वाला फॉर्मूला हमने देखा है अगेन इस पे लगाएंगे तो उसके बाद में आपका जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे 1/2 यहाँ पे अल्फा आपका 3 हो गया, तो ई टू द पावर 3x ई टू द पावर -3x इंटू ई टू द पावर 4x dx, और इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर हम तो ये आपका हो गया 1/2 ई टू द पावर 3x, यहाँ पे तो 1 ही हो गया तो e की पावर x, तो ये आपका हो गया ई टू द पावर 4x/2, ये आपका आंसर आ गया। तो आपका केस नंबर 2 हो गया। सपोज आपका जो एफ एक्स है ठीक है वो है ई टू द पावर समथिंग एल्फा एक्स। ओके, अगर ये एफ एक्स है तब आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वाई पी वो आपका क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर एल्फा एक्स। तो ये आपका कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, डी की जगह आपको एल्फा लिख देना है 1 अपॉन एफ ऑफ एल्फा ई टू द पावर एल्फा एक्स। ठीक है, जो आपका जो डी का फंक्शन दिया होगा उसमें डी को किससे रिप्लेस करना है एल्फा से, बस और कुछ नहीं करना है, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो क्या देना है कि आपको जो एफ ऑफ अल्फा है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर जीरो हो गया तो अगर आपका एफ ऑफ अल्फा जो है वो जीरो हो गया उस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करिए और ये जो है इसका डेरिवेटिव कर दीजिए एफ डैश अल्फा ई टू द पावर एल्फा एक्स। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एफ डैश अल्फा आपका नॉन जीरो तो हो रहा है क्या, नॉन जीरो हो रहा है तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हो जाएगा, और अगर जीरो हो रहा है तो फिर से आप क्या करेंगे ऊपर एक्स की एक और पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो एफ ऑफ अल्फा है इसका एक और डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक्स की जितनी बार आपको जीरो मिल रहा है उसी हिसाब से आपको एक्स की पावर्स करते जाना है और नीचे में डेरिवेटिव करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बार आपको एफ अल्फा जीरो मिला तो आपने एक डेरिवेटिव किया, तो इसी टाइप से अगर सपोज आपके पास में एनथ डेरिवेटिव आपका जीरो मिल रहा है, ओके, तो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप से हो जाएगा, एक्स टू द पावर देखिए एन प्लस वन अपॉन में इसका एन प्लस वन जो है वो डेरिवेटिव ई टू द पावर
अल्फा एक्स, ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया, ये तो खैर किसी को याद नहीं रहता इतना, बट आप एक ये चीज देख लीजिए कि आपका जैसे जैसे मतलब एफ ऑफ अल्फा जीरो हुआ तो आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया और एक बार डेरिवेटिव किया, फिर एफ डैश अल्फा अगर जीरो हुआ तो एक्स के फिर मल्टीप्लाई किया और सेकंड डेरिवेटिव किया इसका, ठीक है, इसी टाइप से आपको चलते रहना है। ओके, अब हम जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें ये वाला जो है केस लगा के देख सकते हैं कि हमारा क्या इक्वेशन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो सेम आ रहा है। तो हमारा था क्या, हाँ ये चीज था, तो यहां से आप देख सकते हैं आपका एफ ऑफ डी ये है तो, और अल्फा आपका यहाँ पे फोर है, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन अप एफ ऑफ फोर ई टू द पावर फोर एक्स, ठीक है, तो फोर इसमें पुट करेंगे तो ये आपका हो गया 16 माइनस 20 प्लस 6 ई टू द पावर फोर एक्स, तो यहां से आपका हो गया 1 अपॉन 2 ई टू द पावर फोर एक्स, ठीक है। और अब एक बार देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया था वो कितना आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आंसर जो है वो इतना ही आया है 1 अपॉन 2 इंटू ई टू द पावर फोर एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस वाले मेथड से हमने सॉल्व किया तो हमारा विद इन ए फ्यू सेकेंड्स आपका हो गया सॉल्यूशन, बट हमने इन जनरल वाले तरीके से किया तो वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। बस यही फर्क होता है कि जो हमें स्पेशली इसका दिया होता है उसमें हम फटाफट कर पाते हैं। ओके, केस नंबर थर्ड आपका आता है, अगर आपके पास जो फंक्शन है वो साइन का या फिर कोस का होता है, ठीक है, मीन्स साइन ऑफ अल्फा एक्स और कोस ऑफ अल्फा एक्स, अगर इस टाइप से फंक्शन है तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आपका क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, जो डी होता है एफ ऑफ डी, चलो साइन ऑफ अल्फा एक्स का ही ले लेते हैं, इसमें क्या करना है आपको, जो डी स्क्वायर होता है उसको माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो मेनली आपको क्या करना है, इसको मैं अगर डी स्क्वायर से रिप्लेस करना है तो हम इसको ये कर सकते हैं, डी स्क्वायर का फंक्शन मान सकते हैं साइन ऑफ अल्फा एक्स, ठीक है, तो डी स्क्वायर को हमें किससे रिप्लेस करना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर से, अल्फा आपका यहाँ पे गिवन है तो ये हो गया आपका एफ ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा एक्स, ठीक है। सिमिलरली आपको कोस वाले में करना है, कोस में भी डी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करना है, और अगर आप यहाँ पे आपका ये चेक करना है आपको कि एफ ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर आपका नॉन जीरो हो, अगर जीरो हो गया तो सेम आपको रिपीट करना है जैसे हमने एक्सपोनेंशियल वाले में किया था, एक्स से मल्टीप्लाई करना है फिर डेरिवेटिव करना है, अगेन अगर आपका जीरो आ रहा है तो एक्स की एक और पावर से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड डेरिवेटिव करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस आपको करना होगा। ये आपका साइन कोस का हो गया। फिर नेक्स्ट जो केस आता है आपका वो आता है कि अगर आपका जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल मीन्स समथिंग एक्स की पावर के टाइप का हो, ठीक है, तो जैसे आपका जो फंक्शन है वो समथिंग एक्स टू द पावर के टाइप का है, ओके, कि आपका कोई नेचुरल नंबर है, तो इस केस में आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसमें क्या करेंगे हम लोग, सपोज आपका जो एफ ऑफ डी है कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो डी की लीस्ट डिग्री जो टर्म होगी, ठीक है, उसको कॉमन लेना है, तो सपोज आपके पास में यहाँ पे मैं एक बार एफ डी को लिख देती हूँ, एफ ऑफ डी आपका जो भी होगा इसमें आपको क्या करना है, डी की लीस्ट कॉमन, सपोज मैं यहाँ पे लीस्ट जो लीस्ट पावर है उसको आर नाम दे रही हूँ, ठीक है, तो डी आर कॉमन ले लिया तो फिर आपका क्या बच जाएगा, जो डी आर जहां पे होगा वहां पे तो वन बच जाएगा प्लस समथिंग फंक्शन ऑफ डी बचेगा, ठीक है, प्लस या माइनस हो सकता है, इसको मैं जो समथिंग फंक्शन बच रहा है उसको मैं जी नाम दे देती हूँ, ठीक है, इस टाइप से बचेगा। उसके बाद में हमारा वाई इंटीग्रल जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो होता है आपका इस टाइप से, जो भी एफ एक्स है आपका, फिर ये आपका हो जाएगा डी की पावर आर वन प्लस माइनस जी ऑफ डी, ठीक है, एफ एक्स। अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, ये तो हो गया, ये जो चीज है इसको ऊपर ले जाइए तो आपका ये किस से हो जाएगा,
वन प्लस माइनस जी ऑफ डी इसका इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। और अब हम यहाँ पे कौन सा चीज अप्लाई कर सकते हैं, वन प्लस या माइनस एक्स का जो इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वन प्लस एक्स वाला जो होता है, वन प्लस एक्स का इनवर्स जो होता है वो आपका हो जाता है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से चलेगा। और वन माइनस एक्स का जो इनवर्स होता है वो आपका चलता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपका डेरिवेटिव में या फिर इंटीग्रेशन में जैसे भी आएगा उस हिसाब से आपको सॉल्व कर लेना है। ये तब केस है जब आपका फंक्शन जो है वो एक्स की पावर्स हो रही होंगी, तो इसमें आपको लीस्ट जो डिग्री होगी डी की वो आपको कॉमन लेनी है, और बाकी आपको क्या फॉर्मेट जो बनाना है मेनली वन प्लस समथिंग या वन माइनस समथिंग, ताकि हम ये जो दो फॉर्मूला है इनको अप्लाई कर सके, राइट। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका सपोज आपके पास में है डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस टू इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको वाई सी प्लस वाई पी से मिलेगा। तो वाई सी तो आपका किसके कोरस्पॉन्डिंग निकलेगा, जब इसको आप इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है, वो हमने कल डिस्कस किया है, तो उसको आप कर लेना। हम यहाँ पे फोकस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक्स की पावर्स का फंक्शन है, राइट। सो अप्लाई करते हैं हम इसका जो पढ़ा है, तो आपका जो एफ ऑफ डी है वो आपका हो गया डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस टू। अब यहाँ पे डी की लीस्ट डिग्री क्या है, डी की पावर जीरो, तो मीन्स आपका जो कॉन्स्टेंट है वो इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा वन प्लस डी प्लस डी स्क्वेयर बाई टू, यही बच जाएगा। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा वन अपॉन में टू, और इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, वन प्लस डी प्लस डी स्क्वेयर बाई टू, इसको एक साथ ले लेती हूँ मैं, इसकी पावर माइनस वन, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था वन प्लस एक्स इनवर्स का वो अप्लाई कर देना है, तो वो अप्लाई हम लोग करेंगे तो आपका हो जाएगा वन बाई टू, और यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तो हम भूल ही गए फंक्शन आपका जो था, तो ये फॉर्मूला आपका होगा वन माइनस एक्स, ठीक है। तो वन माइनस एक्स मीन्स एक्स की जगह आपका क्या काम कर रहा है डी प्लस डी स्क्वेयर बाई टू, तो वन माइनस डी प्लस डी स्क्वेयर बाई टू, नेक्स्ट जो आता है टर्म इसमें आता है प्लस इसका होल स्क्वेयर डी प्लस डी स्क्वेयर बाई टू का होल स्क्वेयर माइनस, ऐसे ऐसे आपका ये चलता जाएगा। और ये किस पे हमें ऑपरेट करना है, एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर पे। ओके, एक बार आप इसको ओपन कर दीजिए, वन बाई टू माइनस वन बाई फोर डी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई फोर डी ऑफ डी स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस फिर आप इसका स्क्वेयर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स स्क्वेयर है इसका दो बार डेरिवेटिव करने के बाद जो तीसरा डेरिवेटिव करेंगे वो जीरो हो जाएगा, और उसके आगे के सारे डेरिवेटिव ही आपके जीरो हो जाएंगे। तो हमें अब डी की पावर टू से ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो इसको आगे हम इवेलुएट नहीं करेंगे। ओके, ये भी आपको ध्यान देते जाना, ऐसा नहीं है कि सारे पहले इवेलुएट कर लिए और बाद में हमें पता चल रहा है कि अरे ये तो सारे जीरो ही आ गए, तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। और हमें एग्जाम में देखना है कि हम शॉर्ट तरीके से फटाफट कितने कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपका ये कैलकुलेट हो गया, ओ सॉरी, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर भी आएगा, तो हाफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई फोर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन प्लस टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो जीरो ही हो जाएगा और इसका टू हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आएगा वन बाई टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का, जहां पे एफ ऑफ डी आपको दिया हुआ था, ठीक है। इसमें आपको जो मेन काम करना था वो करना था कि जो लीस्ट आपका डिग्री हो रहा था किसका, डी का, उसको आपको कॉमन लेना था, और उसके बाद में वन प्लस या माइनस जो एक्स का इनवर्स होता है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। ओके, एक केस और आता है जब आपके पास में
ई टू दी एक्सपोनेंशियल इन टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं उसका भी देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ एक। ओके, तो केस हमारा फिफ्थ चल रहा था। इस केस में आपका आता है अगर आपका फंक्शन ए टू द पावर अल्फा एक्स इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, तो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन अपोन पी आपका हो जाता है, सॉरी वन अपोन एफ ऑफ टी ए टू द पावर अल्फा एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। इसमें आपको क्या करना है, ये जो डी है इसको डी प्लस एल्फा से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ई ऑफ एल्फा एक्स आपका इस साइड आ जाएगा, मीन्स इस पे हमें कुछ ऑपरेट नहीं करना है, इस पे ऑपरेट करना है। और ऑपरेट कैसे करना है, ये जो एफ ऑफ डी था इसको डी प्लस एल्फा से रिप्लेस करने के बाद में, ठीक है। अब ये जो भी आएगा आपका डी का फंक्शन उसको ऑपरेट कर देना है वी ऑफ एक्स से। अब ये वी ऑफ एक्स आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है या फिर साइन कोस का हो सकता है, एक्स की पावर्स हो सकता है, ठीक है, वो अब आपको देखना है। तो मेन जो आपको करना है डी प्लस एल्फा से रिप्लेस करना है और वो जो फंक्शन आ गया उसको वी ऑफ एक्स पे लगाना है। ओके, इसके साथ साथ ही एक लास्ट केस और देख लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे। इस केस में आपका फंक्शन जो है वो किस टाइप का है, ये जो ई ऑफ एल्फा एक्स था यहाँ पे एक्स इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। इस केस में आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है वो आपका हो जाता है एक्स टाइम्स वन अपोन एफ ऑफ डी वी ऑफ एक्स प्लस डी बाई कैपिटल डी, मीन्स ये जो फंक्शन वन अपोन एफ ऑफ डी है इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी। ओके, वन अपोन एफ ऑफ डी इंटू वी ऑफ एक्स, ये आपका इसका फॉर्मेट है। अगर आपके पास में एफ एक्स दे रखा है एक्स इंटू वी एक्स टाइप का, तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो इस टाइप से आपका दिया हुआ होता है। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम्पल आपका डी स्क्वेयर प्लस नाइन वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन तो आपको पता ही है वाई सी प्लस वाई पी होगा, बट अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो जाएगा वन अपॉन एफ ऑफ टी, एफ ऑफ डी आपका है डी स्केयर प्लस नाइन, डी स्केयर प्लस नाइन, और किसका निकालना है एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये आपका कौन सा केस हो गया, एक्स इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाला, ठीक है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था। तो इसका आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे दिया हुआ है, एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ दिस फंक्शन मीन्स साइन एक्स, ओके, प्लस डी ऑफ कैपिटल डी मीन्स कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे किसका, वन अपॉन डी स्क्वेयर प्लस नाइन का इंटू साइन एक्स, आपका ऐसे केस से ले जाएगा। ये आपका फॉर्मूला था, अब बस इसको आपको कैलकुलेट कर देना है। तो एक्स ऐसे कैसे रहेगा, और साइन एक्स का हमने कैसे देखा था, साइन ऑफ अल्फा एक्स में आपको डी स्क्वेयर से रिप्लेस करना है माइनस अल्फा स्क्वेयर से, अल्फा आपका यहाँ पे क्या है वन है, तो माइनस अल्फा स्क्वेयर आपका माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन प्लस नाइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज आपका नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। प्लस अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी, तो आप इसको आप आराम से कर सकते हैं एफ अपॉन जी वाले तरीके से। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी वन अपॉन डी स्केयर प्लस नाइन का करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्केयर प्लस नाइन का स्केयर और माइनस टाइम्स आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी स्केयर का करेंगे तो ये टू डी हो जाएगा, ओके, इंटू साइन एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स बाई एट साइन एक्स माइनस टू हो गया, और डी ऐसे कैसे रहने दीजिए, पहले आपको क्या करना है, ये जो डी स्क्वेयर प्लस नाइन है ये इस पे साइन एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो फिर साइन वाला ही फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा। तो डी स्क्वेयर को फिर से आप माइनस अल्फा स्क्वेयर से रिप्लेस करिए, तो माइनस अल्फा स्क्वेयर आपका कितना था माइनस वन, तो माइनस वन प्लस नाइन आपका हो जाएगा एट, और एट का स्क्वेयर करेंगे तो 64, ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट 64 लिख देती हूँ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट भी सकते हैं 32 हो गया, तो ये आपका हो गया एक्स बाई एट
साइन बाई एक्स माइनस, अब 1/32 आपका आ गया और आपके पास में डी और रह रहा है, तो इस डी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो ये आपका हो गया कोस एक्स। तो ये जो आ गया ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया किसका, एक्स इंटू साइन एक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डी की पावर 4 माइनस 4d प्लस 4 वाई इक्वल टू ई की पावर 2x साइन स्क्वेयर एक्स, इसका आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहचानिए आपका कौन सा फॉर्मेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका e टू द पावर अल्फा एक्स समथिंग फंक्शन ऑफ x टाइप का है। ठीक है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने कैसे देखा था कि yp जो आपका हो रहा था e टू द पावर अल्फा एक्स 1/f(d) प्लस अल्फा vx। ठीक है, तो यहाँ पे आप अल्फा इक्वल टू 2 है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख दीजिए e टू द पावर 2x 1/f(d) प्लस 2 साइन स्केयर एक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन स्केयर एक्स का तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना, बट आप क्या साइन स्केयर एक्स को चेंज कर सकते हैं इस टाइप से कि जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा हो। तो साइन स्केयर एक्स को अगर आपको याद हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, जहां पे अगर इस टाइप से हम लिख पाएंगे तो कोस का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और 1/2 तो आपका सिंपली आप x की पावर 0 मान सकते हैं इसके साथ में, तो दोनों का ही फॉर्मूला हमारा पढ़ा हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आसानी से कर पाएंगे फिर। चलिए e टू द पावर 2x, d को d प्लस 2 में रिप्लेस करना है इस वाले फंक्शन में, तो इसको रिप्लेस करिए पहले, तो ये आपका क्या हो जाएगा d प्लस 2 की पावर 4 माइनस 4 टाइम्स d प्लस 2 प्लस 4, यहाँ पे 2 है 4 नहीं है, बाय मिस्टेक 4 लिखा गया है। ओके, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस cos 2x/2 लिख रहे हैं। ओके, तो अब आप इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ जाएगा डी स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 2d माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4, राइट, यही आ गया आपका 4d आएगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो सिंपली आपका आ गया e टू द पावर 2x 1/d² 1 माइनस cos 2x/2, और 1/d² का मैंने बताया था इसका मतलब होता है आपका डबल इंटीग्रेशन e की पावर 2x, आप इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/2 का जब डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 को चलो मैं इधर ले लेती हूँ, तो पहली बार में x आएगा, दूसरे इंटीग्रेशन में x² / 2 आ जाएगा। ओके, फिर इस cos 2x का करेंगे तो cos का आया पहली बार में sin 2x/2, और फिर sin का करेंगे तो आ जाएगा माइनस टाइम्स cos 2x। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x, और दोनों बार में दो दो आएगा तो 4 ये हो गया आपका। ओके, सो ये आपका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल इस वाले फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले दूसरे मेथड से, बट अब इसको हमने जो अभी पढ़ा है उस वाले मेथड से करिए। ओके, सो इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्लास में एक डिफरेंट मेथड से देखा था, मींस इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के, अब हम इसको देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले जो मेथड है उससे कैसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंपली लिखेंगे इसका जो फॉर्मेट है वो आपका हो जाएगा डी प्लस 1 इक्वल टू मोड एक्स। अब मोड एक्स है, इसको आप दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, जब आपका पॉजिटिव है और माइनस एक्स जब आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होगा वो तो सेम ही आ जाएगा दोनों केस में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट आपका डी इक्वल टू माइनस 1 आएगा, जो yc आपका हो गया, तो yc आपका हो गया c e टू द पावर माइनस x। ठीक है, यही वाला हो गया, इसको कुछ c1 नाम दे दीजिए और दूसरे वाले केस में कुछ c2 नाम दे देंगे। ओके, अब हमें मेन चाहिए
पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो जाएगा 1/t+1 ऑफ, पहले x का देख लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, इस 1+d को अगर ऊपर आप ले जाएंगे तो 1+d की पावर -1 ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल आपको 1+x की पावर -1 का फॉर्मूला लगा देना है, वो आपका क्या होता है 1 - t+d² ऐसे चलता जाएगा। फिर यहाँ पे क्योंकि x है तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से लिख दीजिए x-1। ठीक है, तो इस केस में आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, जब x आपका पॉजिटिव है, x-1 आ गया, यहीं से आप देख सकते हैं कि जब -x होगा तो -x का क्या हो जाएगा -(x+1)। ठीक है, तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ जाएगा। ओके, सो यहीं पे मैं इसको लिख देती हूँ, आपका जो सॉल्यूशन होगा जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जब x पॉजिटिव है तो c1 e^(-x) प्लस इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका है x-1 जब x आपका पॉजिटिव है, और जब नेगेटिव है तो c2 e^(-x) - x+1 जब x आपका नेगेटिव है। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब आपको दिया क्या है जहां से आप इसका निकाल सकते हो, तो आपको दे रखा है y(-1)। y(-1) कौन से वाले केस में आ जाएगा, जब x आपका नेगेटिव है, तो यहां से आप c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, और c2 की वैल्यू निकालने के बाद में आप जो c1 की वैल्यू रह जाएगी, तो इसको निकालने के लिए आप कौन सा जो है यूज करेंगे कि आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो कंटिन्यूअस यहाँ पे आपको 0 पे चेक करने की जरूरत होगी, और कंटिन्यूअस 0 पे कब होगा, जब इसकी वैल्यू मतलब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो वहां से जब इक्वेट करेंगे तो आपको c1 की वैल्यू निकल जाएगी, और वहां से आपका ये सॉल्यूशन निकल आएगा मीन्स बिना कांस्टेंट के, तो फिर आप इसमें 1 पुट करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट इतना ही करना था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे उस वाले से कर सकते हैं। तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो ए आएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि अभी हमने पढ़ा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अब उस कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में एक्स की अगर पावर्स भी आ जाती हैं, मींस आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप का हो जाए, a(n)(x^(n)(dn)+a(n-1)(x^(n-1)\(dot dot dot)\(a1x)d+a0y=something(function)(x). अगर आपका ये फॉर्मेट होता है, यहाँ पे देखिए जो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था वहां पे ये x की पावर्स नहीं आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट के साथ साथ में x की पावर्स भी आ रही हैं, और किस टाइप से आ रही हैं, अगर आपके पास में nth डेरिवेटिव है तो nth पावर आ रही है x की, n-1th डेरिवेटिव है तो n-1th पावर आ रही है। ठीक है, तो और इस जो इक्वेशन है इसको हम कोशी यूलर इक्वेशन भी बोलते हैं, कई अगर आप कभी नाम से दे दे तो इसको कोशी यूलर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको रिड्यूस करेंगे किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, तो उसको इसको रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी, है ना। तो मेनली उसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए कि ये जो x की पावर n है ये गायब हो जाए, तभी आपका ये जो है रिड्यूस होगा कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में, राइट। तो हमें इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी होगी कि हम इस x की पावर n को गायब कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, x को e^z पुट कर लीजिए। ठीक है, पुट x=e^z। अब देखते हैं यहाँ से हमारा काम है वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो अगर x को e^z पुट करेंगे तो इसे यहाँ पे देख सकते हैं z = आपका हो गया log x। ठीक है, अब हमें ये dn आपका क्या है, dn y/dx^n। ठीक है, इस टाइप का है, तो मीन्स हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तभी हमारा ये dy/dx टाइप का या dny/dx^n जो है वो गायब हो पाएगा। तो करिए फिर डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं dz बाई
dx जो हो गया वो 1/x हो गया। ओके, हमें चाहिए dy बाई dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, इन सब चीजों की जगह हमें देखना होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में x की जो पावर्स हैं उनके साथ में भी। तो चलिए एक बार देखते हैं, dy बाई dx है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, dy अपॉन में dz इंटू dz अपॉन में dx, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे dz बाई dx का जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/x है इंटू dy बाई dz। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं, इस x जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x dy बाई dx इक्वल टू आपने लिख दिया dy बाई dz, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया x इंटू dy बाई dx, इसका हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dz। तो ये आपका जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, a1 dy बाई dz। तो यहाँ पे आपका जो ये x की पावर था ये गायब हो गया, अभी आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चीज आ गया, ठीक है। अब सिमिलर टाइप से हमें जो सारी डेरिवेटिव्स हैं मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर, इन सबको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे तो dy बाई dx को लिखा है, तो d2, चलिए निकालते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इसको निकालेंगे, इसका मतलब है d ऑफ dx अब dy बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx जो है वो आपका क्या है, d ऑफ dx, यहां से आप देखिए 1/x इंटू dy बाई dz। ओके, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पहले तो आप 1/x को ऐसे कैसे रख दीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट करिए dy बाई dx dy अपॉन में dz, फिर प्लस में इसको ऐसे कैसे रखेंगे और जो 1/x है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 1/x को करेंगे तो -1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू dy बाई dz। ओके, तो यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x इसको समथिंग, जैसे हमने यहाँ पे dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx लिखा था, इस टाइप से जब आप लिखेंगे तो ये आपका जो कैलकुलेट होके आएगा वो आपका होके आएगा 1/x² d2y अपॉन में dz स्क्वायर -1/x² dy अपॉन में dz। ओके, तो यहां से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dz स्क्वायर इक्वल टू सॉरी dx स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, d2y अपॉन में dz स्क्वायर -dy अपॉन में dz, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे जैसे हमने d अपॉन dx को कुछ d माना था, कैपिटल d, उस हिसाब से आप d अपॉन जो dz है उसको कुछ q मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप मानेंगे तो ये आपका जो फॉर्मेट हो जाएगा वो q² - q हो जाएगा, और इसको आप q(q-1) भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से जब आप प्रोसीड करते जाएंगे तो जो आपका x^n dny अपॉन dxn होगा, उसको आप जो लिख पाएंगे वो है आपका q(q-1) q-2 डॉट डॉट, कहाँ तक ये जाएगा, q-n-1। ओके, इस टाइप से आप लिख पाएंगे nth वाले टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो आपको मेनली याद रखना है वो आपको याद रखना है कि जो x dy बाई dx है उसको हम q लिख सकते हैं, x² d2y बाई dx स्क्वायर है उसको q(q-1) लिख सकते हैं, ऐसे ही करते हैं x^n इंटू d^n y अपॉन dx^n है उसको q(q-1)(q-2) डॉट डॉट q-n-1 लिख सकते हैं, जहां पे q आपका क्या है d अपॉन में dz, और z आपका क्या है सॉरी e^z जो है वो x है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो y और z में आएगा, और फिर z की जगह में x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, सिंपली यही करना है। चलिए इसका एक
एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस डी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ओके, तो सिंपली आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि नॉन होमोजीनियस है, इसका जो सॉल्यूशन है वो वाई सी प्लस वाई पी होगा। वाई सी कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस डी इक्वल टू जीरो पुट करके। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसका वाई सी ही निकालते हैं, तो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज की थी वो आपको याद रखनी पड़ेगी, एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड, और डी टू को हम लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वेयर इंटू डी टू को लिख सकते हैं, फिर इंटू क्यू इक्वल टू जीरो। तो ये आपका हो गया क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो ये कट के आपको दे दिया क्यू स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में जो भी कॉन्स्टेंट कोफिशियंट वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसकी तरह आपको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, तो वो आपका आ जाएगा लेमडा स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई आपका लेमडा इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। दो आपकी ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं, दोनों रिपीटेड है, तो यहां से आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू सी वन प्लस सी टू जेड। क्यों, क्योंकि यहां पे हम जो ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो डी वाई बाई डी जेड में निकाल रहे हैं, ना कि एक्स में। ये चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि कई बार जैसे ध्यान नहीं होता है इसको एक्स में लिख देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक्स को ई टू द पावर जेड माना है, और ये जो ये आपकी जो इक्वेशन आ रही है वो क्यू हमने डी अपॉन डी जेड को माना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन आएगा वो जेड के फॉर्म में आएगा, फिर जेड को हम एक्स की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो सी वन प्लस सी टू जेड और ई टू द पावर जीरो इंटू जेड, तो वो तो वन ही हो जाएगा, तो मेनली आपका सी वन प्लस सी टू जेड आ गया, और जेड यहां से आप निकालेंगे तो जेड इक्वल टू लॉग एक्स आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स, ठीक है। ये तो आपका आ गया वाई सी। अब वाई पी निकालने के लिए आप वन अपॉन एफ डी, एफ डी आपका क्या हो जाएगा, इसी वाले से निकलेगा, ठीक है। तो इसका आपका डी स्केयर ही आ रहा है, डी स्केयर, और एक्स स्केयर आपका यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर टू जेड, ठीक है। जिस हिसाब से हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया उसी हिसाब से आपको कन्वर्ट करके करना होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपने कन्वर्ट कर लिया और कहीं पे एक्स वाला ही फॉर्म चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। हमने जो ये इक्वेशन थी इसको इसमें ट्रांसफर कर लिया है, और अब जो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इसी का आएगा, जो सॉल्यूशन आ जाए उसमें फिर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वेयर था और एक्स को हमने मान लिया है ई टू द पावर जेड, तो इसलिए अब जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे वो ई टू द पावर टू जेड का निकालेंगे, और जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ पे क्यू स्क्वेयर आएगा, राइट। सो क्यू स्क्वेयर का मतलब है डबल इंटीग्रल, तो इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट करेंगे ई टू द पावर टू जेड बाई टू, और दूसरी बार करेंगे तो ई टू द पावर टू जेड अपॉन में फोर। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, जेड इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई फोर। ओके, तो यहाँ से आपका जो वाई आ गया, वाई सी मीन्स सी वन प्लस सी टू लोग एक्स प्लस वाई पी मीन्स एक्स स्क्वेयर बाई फोर, ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ओके, सो अब ये जो एक्स था इसकी जगह जो एक्स की पावर्स आ रही थी इसकी जगह अगर आपका कुछ इस टाइप से आ जाए ए नोट सॉरी ए एन इन टू ए प्लस बी एक्स, वहां पे सिर्फ x की पावर आ रही थी, यहाँ पे अगर a प्लस बी एक्स की पावर समथिंग n आ जाए डी एन प्लस ए एन माइनस वन ए प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन, कुछ इस टाइप से आ जाए प्लस ए एन, ओके y इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है वो क्या करना है, a प्लस बी एक्स को हम ई टू द पावर जेड मान लेंगे, ठीक है। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, तो यहां से जो जेड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, और जो आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स वो आपका हो जाएगा
बी क्यू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी क्यू इंटू क्यू माइनस वन। जैसे सिंपल पिछली बार में हमारा क्या हो रहा था, एक्स टू द पावर सॉरी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्यू इंटू क्यू माइनस वन लिख रहे थे। अब यहाँ पे जो एक्स के साथ में आपका बी भी आ रहा है ना, इसका भी साथ साथ में आपका आता जाएगा यहाँ पे, तो वन वाले में वन आएगा, टू वाले में बी की पावर टू आ जाएगी। सिमिलरली सॉरी यहाँ पे ये भी चीज़ है आपकी ए प्लस बी एक्स, ओके ए प्लस बी एक्स की पावर एन वाला जो है इसको मैं सिंपली डी एन लिख देती हूँ, ये आपका हो जाएगा बी टू द पावर एन, और जो सिंपली बाकी हमारा क्यू इंटू क्यू माइनस वन क्यू माइनस टू डॉट डॉट क्यू माइनस एन माइनस वन। ठीक है, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। यहाँ पे सॉरी टू आएगा, ये मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये राइटिंग मिस्टेक हो गया है। जैसे हमने पिछले वाले में किया है डिट्टो, आपको सेम काम करना है, बस यहाँ पे आपकी जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो एक्स के साथ में ये जो कॉन्स्टेंट आ रहा है इसकी भी पावर साथ साथ में आपकी आती जाएंगी इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। वन प्लस टू एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस सिक्स टाइम वन प्लस टू एक्स डी माइनस टू ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डी स्क्वेयर के साथ में आपका वन प्लस टू एक्स का स्क्वेयर वन प्लस टू एक्स इस टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वन प्लस जो टू एक्स है उसको आपको ई टू द पावर जेड मान लेना है, ई टू द पावर जेड मान लेना है। और जो वन प्लस टू एक्स की स्क्वेयर डी स्क्वेयर है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बी की टू, तो बी की पावर टू आपका आ जाएगा टू की पावर टू इंटू क्यू इंटू क्यू माइनस वन माइनस सिक्स। ऐसे कैसे रहेगा, वन प्लस टू एक्स की जगह आपको टू रख देना है और डी की जगह क्यू रखना है माइनस टू। ये आपका फॉर्मेट हो गया इक्वल टू, जो भी आपका यहाँ पे जीरो है तो जीरो रख लेते हैं, कोई फंक्शन होगा तो कोई जो भी फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा फोर फोर क्यू स्क्वेयर माइनस फोर क्यू माइनस ट्वेल्व क्यू माइनस टू इक्वल टू जीरो, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर क्यू स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन क्यू माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये आपके पास में आगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में ध्यान देंगे कि ये आपका वाई और जेड में आएगा, उसके बाद में जेड की वैल्यू रख देनी है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट्स इट।